Good morning, students. Myself, Dr. Dushyan Pradeep, and you are here watching physics classes by Dr. Dushyan. Our today's topic is electric dipole. यहाँ से आप देखिए दो चीजें यहाँ से बड़ी क्लियर हैं इलेक्ट्रिक एंड डाइपोल. इलेक्ट्रिक दिस इज रिलेटेड टू चार्ज एंड डाइपोल मीन्स टू पोलैरिटीज. तो यहां से डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की. इट इज अ पेयर ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटीज विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. तो दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस मोस्टली जो रेस्ट पे हो जिनका मैग्नीट्यूड देखिए यहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है क्यू बट दोनों की पोलैरिटीज अपोजिट है. एक की पोलैरिटी माइनस है एक की पोलैरिटी प्लस है. तो ये आपके पास बन गया एक डायपोल. तो डायपोल इसके बीच का एक स्मॉल डिस्टेंस है टू ए टू इसलिए यूज किया हमने ताकि जब हम डिवाइड करके ए बाय टू या हाफ डिस्टेंसेस लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा टू मेक द कैलकुलेशंस. सो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया वो सिस्टम वो पेयर दो चार्जेस का जिनकी पोलैरिटीज तो अपोजिट है बट उनका मैग्नीट्यूड सेम है. सो इट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल. नाउ इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड वन थिंग दैट इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कोई भी होगा तो उसके आगे पीछे एक फील्ड होगा जिसमें वो अपनी फोर्स दूसरे चार्जेस पे एक्सर्ट कर सकता है. इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल भी अपनी फोर्सेस दूसरे चार्जेस पे एक्सर्ट कर सकता है. सो एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. जिस भी पॉइंट पे आपको उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है. क्यों क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज स्टडी की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था एक्चुअली फोर्स की वैल्यू थी. कौन सी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. किसी भी सोर्स चार्ज के कारण जितना भी फोर्स अप्लाई होता है किसी टेस्ट चार्ज पे उस फोर्स की वैल्यू कौन देता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट्स सी कि हम इन दो चार्जेस के कारण जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक इलेक्ट्रिक बाउंडेशन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण उनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई होता है. लेकिन अब देखिए आपके पास ये डायपोल है. जर्नली जब हम इसे ज्वाइन करेंगे ये इसकी कौन सी लाइन बन गई प्लस क्यू चार्ज. अब ये वाली लाइन कौन सी बन गई ये लाइन आपकी बन गई एक्सिस. आपकी एक्सिस बन गई. अब इस एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आता है तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे कि दिस इज द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ दैट डायपोल. लेकिन अगर एक ऐसी लाइन जो इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी एक्सिस जो पोल्स को जोड़ रही है मींस पोलर एक्सिस को जोड़ने वाली एक्सिस को जब हम बाइसेक्ट करवाते हैं तो ये कौन सी लाइन बन गई ये बन गई उसका इक्वेटर. और जब इस किस लाइन पे कहीं भी पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम क्या कहेंगे कि हमें कहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे. ठीक है चलिए पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ऑन एक्सियल लाइन. किसकी एक छोटा सा डायपोल है जिसके दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू और जो सेपरेटेड है वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू ए से उसके कारण हमने इस एक्सियल लाइन पे कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने को आ जाए यू हैव टू गेट द वैल्यू. लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट. चलिए कंसीडर कीजिए एक डायपोल जिसमें दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. इट इज माइनस क्यू दिस इज प्लस क्यू
both are separated by a very small distance represented by 2a. So 2a is a very small distance. So this is connected by a line, and this line which is connecting these two charges, that is known as axial line. चलिए मान लेते हैं इस axial line के ऊपर कहीं एक distance पे हमारे पास एक point P है. इस point P के ऊपर हमने क्या निकालना है? अपना electric field. This is the point we have to find the electric field. ये point कहाँ पे अभी? ये point है axial line के ऊपर. So this is the point where we have to find the electric field. Clear? देखिए, let's consider the center of this equator. इस dipole का center हमने ले लिया और center को नाम दे दिया O. This is point B. So we are having a dipole AB. O is the center. अगर O center है, तो इसका मतलब है इस O का distance A से कितना है? A और यहां से कितना है? यहां से भी A ही है. ठीक है, एक और कंसिडरेशन कीजिए कि आपका जो पॉइंट P है वो सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट किसका? सेंटर पॉइंट डायपोल के. तो ये पॉइंट P इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर P ऑफ द डायपोल, एंड वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. क्लियर है यहां तक? डायग्राम क्लियर है? अब दो चीजें और देखनी है हमने. वो क्या चीजें हैं? वो हैं डायरेक्शंस. डायरेक्शंस किसके कारण? इन पॉइंट्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण. चलिए अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है? इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां चार्ज कौन सा होगा? क्यू नॉट. क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. ये चार्ज कौन सा है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है. चलिए अब इसकी बात करते हैं. टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है. किसके कारण? माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण. इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है. तो चलिए देखें, माइनस क्यू है यहां और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? प्लस टू माइनस. ये चार्ज चाहे छोटा है, हाउसोएवर क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू क्यू, बट इट हैज अ पॉजिटिव पोलैरिटी. तो डायरेक्शन विल श्योरली बी फ्रॉम क्यू नॉट टू माइनस क्यू. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किसकी? माइनस क्यू की. वो कहां से कहां होगी? पॉइंट बी से लेकर ए की तरफ. सो योर ई माइनस क्यू की डायरेक्शन ये होगी. क्यों? इट इज प्लस, इट इज माइनस. दूसरे वाला ई प्लस क्यू. ई प्लस क्यू की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम बी टू पी. क्यों? क्योंकि प्लस बी का. नाउ व्हेनेवर देयर आर टू चार्जेस हैविंग सेम पोलैरिटी, दैट इज पॉजिटिव, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी फ्रॉम द चार्ज हैविंग बिगर मैग्नीट्यूड. मतलब इन दोनों की पोलैरिटी प्लस है, तो इन दोनों में से हम देखेंगे कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है. जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, डायरेक्शन उससे छोटे की तरफ जाएगी. तो बड़ा मैग्नीट्यूड है क्यू का, तो डायरेक्शन जाएगी क्यू नॉट की तरफ. ये क्लियर हो गया. अब आपको एक चीज बड़ी क्लियर दिख रही है कि ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू, ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है. तो जब हम इनका सम लेंगे, दैट वैक्टर सम विल एक्चुअली बी द सब्ट्रैक्शन. क्लियर? और जब ये है क्या? अलॉन्ग द सेम लाइन है, एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, तो इट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज. नाउ लेट्स सी, लेट्स हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस क्यू. व्हाट इज ई माइनस क्यू? वन थिंग, 1/4πε0. फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स हमें पता है क्या होती है? 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. सो दिस इज गोइंग टू बी आउट. सो वी आर हैविंग अ वैल्यू
1 by 4 pi epsilon naught into what? Q upon what? R square. R here is what? It is the difference between the two points. One, the source charge. Other is test charge. Source kaun hai? Minus Q. Test kaun hai? Q naught. So difference kya ho gaya? Yahan se yahan R aur yahan se aage R plus A ka whole square. Ye samajh aaya? Similar way mein E plus Q kya ho jayega? E plus Q is 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R minus A ka whole square. Kyun? Kyunki bhai ab hamara plus Q yahan hai. Yahan pe kya hai Q? Naught. Yahan tak pura ka pura R tha. Lekin ye hamara nikal gaya ye part. So it is R minus A. So we have got two values of electric field. These two values, they are in opposite direction. The resultant axis, electric field along the axis, that will be what? E plus Q minus E minus Q. Clear? So kya value aa gayi? E plus Q. Ye aa gaya. Both are having 1 by 4 pi epsilon naught as a common term along with Q. And inside we are having 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A ka whole square. Now, get the difference. The difference will be, surely the difference will be what? 1 by 4 pi epsilon naught Q upon 4 pi epsilon naught. This will be, dekhiye yahan pe dhyan se dekhiye. Inside we are having A minus B, A plus B. A minus B, A plus B means A square minus B square. There is a common whole square there. And when denominator, numerator, what we are having? A square plus B square plus 2AR minus this one. A square square plus. So here what we are having? R A square. We are just left with R. So here we are having 1 by 4 pi epsilon naught Q into 4 2R, it is 4AR upon R square minus A square ka whole square. Clear hai yahan tak? Ab hum dekhiye, ab hame ek cheez aur pata hai ki dipole movement jo hoti hai. Dipole movement kya hoti hai bhai? Dipole movement hoti hai strength. Kiski strength? Strength us dipole ki. Aur kiske barabar hoti hai? Jitna dipole ka charge hoga, koi bhi ek le lijiye, into kya? Un do charges ke beech ka distance. Q into 2A. Yahan se nikaliye Q. 2A yahan se le lijiye. Hamare paas kya jayega? 1 by 4 pi epsilon naught R square minus A square ka whole square. Q into 2A. Kya ban gaya? P. P kya hoti hai? Dipole movement. Ek 2 baj gaya into R. This is the value of axial electric field. Ab agar main aapko bolu ki bhai ye to electric field ki aapne value nikal di hai. Chaliye ab mujhe bataiye ki agar aapke paas dipole bada chota ho, dipole bada chota ho means aapka jo A hai, jo difference hai, that is very small as compared to what? R is greater than A. Means R square is greater than A square. Then what we can do? We can neglect. R square minus A square is equivalent to R square. So what will be the value of A axis? A axis will be 1 by 4 pi epsilon naught into 2P R upon नीचे वाले इस टर्म का, ये जो आपका r square minus a square है, इसकी जगह सिर्फ क्या आ गया? R square, लेकिन बाहर भी तो है एक r. Outside we are already having n square. So what we are left with? 1 by 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. This is the final value of the electric field on the axis of a short dipole. And what is the journal value? Journal value is the last one that we have derived earlier here. 2 PR
r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज द जर्नल वैल्यू. आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होगा. इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी क्वेश्चन गिव द कमेंट ऑन द वीडियो एंड वी कैन डिस्कस दिस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. दिस वाज़ द फोर्थ लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट विच इज प्लेस्ड देयर ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेम डायपोल. सो लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो. ठीक है, सो दैट वी कैन हैव अ गुड ऑडियंस, वी कैन डिस्कस दिस, वी कैन हैव सम गुड न्यूमेरिकल्स इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, वी कैन डिस्कस ऑल दोस थिंग्स. थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, एंजॉय द लेक्चर्स बाय डॉक्टर दुष्यंत ऑन फिजिक्स क्लासेस. गुड बाय.